पिछले दो साल में कमाई के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ा। बीजेपी की कमाई में 81.18% का इजाफा, कांग्रेस की कमाई 14% घटी। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल होने पर पीएम मोदी ने 1200 करोड़ की 5 योजनाओं की रखी नींव, विपक्ष पर लगाया समाज को तोड़ने का आरोप। उन्नाव गैंग रेप केस की जांच के लिए एसआईटी गठित, उन्नाव पुलिस की रिपोर्ट की एसआईटी करेगी जांच, विधायक से भी की जा सकती है पूछताछ। बदायूं जिले के कुंवरगांव में तोड़ी गई डॉक्टर अंबेडकर की नई मूर्ति को फिर से नीले रंग में रंगा गया, बीएसपी नेता ने करवाया पेंट, मूर्ति पर किया गया था भगवा रंग। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, दो भारतीय सैनिक शहीद, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। 25 मीटर पिस्टल में हिना सिद्धू ने जीता गोल्ड, फाइनल में हिना ने पाए रिकॉर्ड 38 अंक, इससे पहले हिना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था सिल्वर मेडल। दिल्ली स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 125 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान से दिल्ली लाई गई थी हेरोइन की खेप। नोएडा पुलिस ने अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, पुलिस ने तकरीबन 24 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में चेक के जरिए धोखाधड़ी का मामला सामने आया, एक व्यापारी के बैंक अकाउंट के जरिए 2 लाख रुपए निकाले गए। अकाली दल बादल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और दोनों को कांग्रेस से निकालने की मांग। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जहांगीरपुरी में हादसा, मलबे से भरे ट्रैक्टर से कुचलकर किशोर की मौत, 8वीं क्लास का छात्र था मृतक राहुल। हरियाणा में कभी भी हो सकता है इनेलो बसपा का गठबंधन का औपचारिक ऐलान, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने कहा इनेलो का बसपा से पुराने नाता, गठबंधन होगा तो डंडे की चोट पर होगा। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा, बोले सुरजेवाला जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो हमने विधानसभा में उठाया था। उकलाना से भी इनेलो विधायक अनूप धानक और जिलाध्यक्ष राजेंद्र लितानी ने इनेलो कार्यकर्ताओं के साथ उकलाना की नई अनाज मंडी का दौरा किया, गेहूं की फसल खरीद को लेकर जायजा लिया। धरने पर परिवार समेत भूख हड़ताल करेंगे रोडवेज कर्मी, दादरी में रोडवेज यूनियंस के धरने पर कई डिपो से पहुंचे कर्मचारी, बहाली और विभिन्न मांगों को लेकर प्रोटेस्ट और नारेबाजी। फतेहाबाद में 10वीं की हिंदी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में, उत्तर पुस्तिका में कई छात्रों ने गीत लिखे, कई छात्रों ने शिक्षकों को पास करने की गुहार लगाई। जुराना के लजबाना गांव में परिवार के आपसी झगड़े में महिला की हत्या, महिला की तेज धारदार हथियार से हत्या की गई। देवर पर महिला की हत्या का आरोप, हत्या के बाद से आरोपी देवर फरार, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच की। अंबाला में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल में डूबने से 2 बच्चों की मौत, परिवार वालों ने इस हादसे के लिए रेलवे को जिम्मेदार बताया। दोनों बच्चों की मौत में रेलवे की लापरवाही सामने आ रही है, जीआरएम कॉम्प्लेक्स के रेलवे स्विमिंग पूल में मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन रेलवे ने 12 फीट गहरे पुल से पानी निकालना मुनासिब नहीं समझा। गोहाना में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्राओं की हड़ताल जारी, इंटर्नशिप वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। राजकीय शहीद राजा हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स 1 हफ्ते से हड़ताल पर हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित। नरवाना में लगातार बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ, यूबीआई बैंक से 1 लाख रुपए की चोरी। रेवाड़ी में ओवरलोड वाहनों को लेकर आरटीआई ने दिखाई सख्ती, देर रात 21 चालान काटे गए। मेवात के वीरों की शहादत की याद में नूह में बनाए गए शहीद पार्क में तिरंगे का अपमान, शहीदों के सम्मान में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से लहराए गए 100 फीट ऊंचे तिरंगे की हालत बदहाल।